welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 5 and we're going to talk about the charismatic inspirational models heroic leadership when we talk about charismatic and inspirational models no doubt we are concerned with the charisma of the leaders that how they're going to demonstrate themselves in front of the public in front of the followers in front of the world

उनकी नीड्स के मुताबिक लीडर अपने आप को तब्दील करता है अपने स्टाइल को तब्दील करता है और अपनी इंटरेक्शन को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है क्रिस्मेटिक लीडर्स की जब हम बात करते हैं तो दे एग्जिबिट बिहेवियर दैट इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स दे डू थिंग्स विच आर वंडरफुल दे डू थिंग्स विच आर हेरो दे डेमोस्ट्रेट अस्पेक्टिव जो कि आम इंसान शायद डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता तो ये तमाम चीजें शेयर्ड विजन नीड्स को अंडरस्टैंड करना एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करना ये तमाम चीजें एक लीडर का जो क्रिज्मा है उसे क्रिएट करती हैं अब आर ऑफ द क्रिजमेटिक लीडर्स द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक कम अप विद द राइट विजन दे कम अप विद द राइट अपर्टिक्यूलेशन ऑफ द एस्पेक्ट दे वॉन्ट टू डिस्कस विद फॉलोअर्स और वो सही डायरेक्शन का तयन कर पाते हैं लीडर्स आर देयर जब हम क्रिजमा की बात कर रहे हैं दे आर देयर टू टेक द रिस्क रिस्क डेयर टू परफॉर्म एंड देर टू अचीव देशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बाई टेकिंग ऑल मीन ऑफ रिस्क जब हम क्रिस्मेटिक लीडर्स की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट एज वेल एनवायरमेंट के क्या तकाजे हैं माहौल के क्या तकाजे हैं और उन तकाजों के मुताबिक लीडर अपने आप को मोल्ड भी कर लेता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म भी कर लेता है इसी तरह जब हम लेवल तो पर हो उसकी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड हो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज हो उसकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड लेवल हो द लीडर इज देयर टू सेटिस्फाई साथ, साथ लीडर इज देयर टू कम अपनल बिहेवियर वो रवायात से हटकर रूटीन से हटकर कुछ ऐसा परफॉर्म करता है जिसके परफॉर्म करने से दॉलोअर्स आर देयर टू टेक दीडर एज अटिक टू सी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव टारगेट्स हाई लेवल परफॉर्मेंस ये सब कुछ अचीव वहां पर हो रही है इसी के साथ साथ जब हम क्रिजमेटिक लीडर्स की बात करते हैं

वो तमाम परफॉर्मेंस के मुताबिक अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने फॉलोअर्स को दे आर देयर टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ऑफ रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड रिकगनाइज एक्प्लिशमेंट तो दीज आर दिंग्स जो कि एक लीडर परफॉर्मस के तौर पर अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करेगा और उसका मेन मकसद क्या है कि ट्रांजेक्शन पाये तकमील तक पहुंच सके The second aspect is that the leader which is transactional by nature is giving the concept of is coming up with the concept of management by exception and management by exception can be of two types active and passive जब हम management by exception active की बात करते हैं तो leader बहुत carefully अपने followers की routine को patterns of work को वो देखता है और वो साथ साथ corrective actions वो लेता रहता है जहाँ जहाँ पर कोई गलती उसको महसूस हो जिसके बरक्स जब हम मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन पैसिव की बात करेंगे तो इंटरवीन्स इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट लीडर सिर्फ उस वक्त अपना रोल परफॉर्म करता है जब उसको लगे कि कोई गलती ऐसी हो रही है जिससे कि स्टैंडर्ड्स आर गेटिंग डेविएटेड तो वहां पर लीडर अपना वो पेश करेगा वहां पर वो अपना जो स्टांस होगा उसको ब्रुएकार वो लेकर आएगा एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द दर्स्पेक्टिव इज दैट इज डोन एज लिज फेयर

जिसके बरक्स जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की बात करते हैं द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इज कमिंग अप विद जिसमें के वो विजन सेंस ऑफ मिशन इंस्टिल्स प्राइड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन एस्पेक्ट्स को एम्फोसाइज वो करेगा वो ताल्लुक को उसवार करने पर बात करेगा वो लोगों की सोच को तब्दील करने पर अपना जो फोकस है वो रखेगा सो so, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हमारा कंसर्न इज मोर ऑन द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट

प्रोमोट करता है सपोर्ट करता है और केयरफुली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर एम्फोसाइज करता है ताकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना हो और फॉलोअर्स कहीं पर भी अपने असल मकसद से दूर वो ना हो सकें सो द इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल बूस्ट इज गिवन बाई द लीडर वेन ही और शी इज देयर टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोअर्स एंड द फोर्थ आई विच वी डिस्कस अर्लियर इज टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन जिसमें हर शख्स पर उसके मुताबिक तवज्जो वो दी जाएगी हर शख्स को एडवाइस करना हर शख्स को कोच करना हर शख्स के नीड्स को समझना और उसके मुताबिक उसको गाइड करना ट्रेन करना और डेवलप करना सो ये तमाम तर एस्पेक्ट जो हैं ट्रांसफॉर्मेशनल परस्पेक्टिव ऑफ लीडरशिप में वो काउंट किए जाएंगे अगर हम इस सारी बात को रिकैप करें अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि लीडरशिप के, के, के कंसर्न्स में करिश्मा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और क्रिज्मा इज नो डाउट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी एज वेल लेकिन साथ ही साथ ट्रांजेक्शन को पाये तकमील तक भी पहुंचाना है और लोगों की सोच को वो तब्दील भी करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट्स